नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आप बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते। तो किसी भाई ने हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के पूछा, देखिए उनका नाम है एमडी नसरुद्दीन, कह रहे हैं क्रेडिट कार्ड कैसे ले बैंक ऑफ इंडिया का, अर्थात यदि आप भी बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते आप ले सकते हो, कैसे लीजिएगा तो अभी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए जानते हैं। जैसा कि आप देखो ना, हम बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर आज के आपको कुछ डिटेल देखने के लिए मिले आप कैसे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आपको पहले ब्रांच विजिट करना, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड आप ऑनलाइन अप्लाई करके नहीं ले सकते। कि आपको यहाँ देखने मिलेगा स्पष्ट रूप से बोल रहा है हाउ टू अप्लाई फॉर ए क्रेडिट कार्ड, उसके देखिए नीचे आपको देखने मिलेगा सबमिट ए डेली कंप्लीट योर सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म द ब्रांच मेक श्योर योर केवाईसी डॉक्यूमेंट आर वेरीफाइड, अर्थात ये कह रहा है यदि आप बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा, वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको वो फॉर्म फिलअप करके सबमिट करना, उनके साथ आपको डॉक्यूमेंट भी कुछ लगेगा जैसे कि आप आधार कार्ड पैन कार्ड और आपका जो भी इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट आप उनके साथ अटैच करके दे सकते हैं। यदि आप कुछ डिटेल पूर्वक जानकारी दें तो आप ब्रांच मैनेजर से फिर ब्रांच के किसी भी अधिकारी से डिटेल पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं उनसे बातचीत करके। चलिए आपको इनके साथ क्या सर्विस मिल जाएगी, कितना चार्ज रहेगा, चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं। जब आप इसका ATM कार्ड लीजिएगा उसके बाद देखिए बोल रहा है आई एम एलिजिबल फॉर क्रेडिट कार्ड, तो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि इसका क्रेडिट कार्ड ले सकता है बैंक ऑफ इंडिया का। तो देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा, देखिए बोल रहा है द क्राइटेरिया ऑफ इशू क्रेडिट कार्ड आर, उसके बाद देखिए आपको नीचे मिल जाएगा इट कैन बी इशू एनी इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ओरिजिनल, अर्थात कह रहे कोई भी इंडिविजुअल अर्थात एक भारतीय बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके ले सकता है। आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा लेकिन इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा, आप ऑनलाइन अप्लाई करके नहीं ले सकते। उसके बाद देखिए कह रहे क्या आर मैनर इजेबल फॉर क्रेडिट कार्ड, क्या बच्चे भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके ले सकते हैं। देखिए बोल रहा है मैनर्स आर नॉट इजेबल क्रेडिट कार्ड, अर्थात बच्चों को क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, अर्थात यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है और आप बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। इसके लिए आपका एज कम से कम 18 या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए तभी आप बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सा आपको क्रेडिट कार्ड देखने मिल जाएगा, देखिए आपको कुछ नाम यानी मिलेगा, देखिए बोल रहा है इंडियन कार्ड, उसके बाद इंडियन गोल्ड कार्ड आपको मिल जाएगा, उसके बाद इंटरनेशनल कार्ड आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड के नाम आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद देखिए बोल रहा है इंटरनेशनल गोल्ड कार्ड, उसके बाद प्लेटिनम प्रिविलेज कार्ड, आपको कुछ कार्ड का यहाँ नाम देखने मिलेगा। आपको ये सब कार्ड बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मिलेगा क्रेडिट कार्ड यदि आप बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाकर के अप्लाई कीजिएगा तो। उसके बाद आपको और भी कुछ नीचे देखिए देखने मिलेगा, तो आप यहाँ से आकर के डिटेल पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपको नीचे देखने मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ आपको देखने मिलेगा, देखिए कह रहा है हाउ मेनी एड कार्ड कैन इस बी इशू, अर्थात ये कह रहा है कि आप बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कितने क्रेडिट कार्ड एक बार में ले सकता है, अर्थात एक व्यक्ति कितना क्रेडिट कार्ड ले सकता है। देखिए बोल रहा है वी इशू अप टू टू एड ऑन कार्ड टू ए प्रिंसिपल कार्ड, अर्थात आपको बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से दो कार्ड मिल सकता है क्रेडिट कार्ड, यदि आप लेना चाहें तो बैंक ऑफ इंडिया का आप दो क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, अर्थात एक व्यक्ति बैंक ऑफ इंडिया का दो क्रेडिट कार्ड ले सकता है। आप लेना चाहते आप ले सकते हैं, इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा। आप चलिए बात करते हैं कि आपको क्या सर्विस और क्या चार्ज पे करना होगा यदि आप बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड लीजिएगा तो। तो देखिए ये बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल PDF है, इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा क्या आपको सर्विस और चार्ज लगेगा यदि आप बैंक ऑफ इंडिया का अप्लाई करके क्रेडिट कार्ड लीजिएगा। देखिए यहाँ आपको देखने मिलेगा शेड्यूल ऑफ चार्ज, आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। उसके देखिए बोल रहा है एनुअल मेंबर फी रिप्लेसमेंट का चार्ज विदाउट GST, आपको क्या क्या चार्ज लगेगा इसके लिए आपको देखने मिलेगा। देखिए बोल रहा है इंडियन कार्ड, यदि आप ये वाला क्रेडिट कार्ड लीजिएगा, देखिए आप स्पष्ट रूप से देखोगे क्रेडिट, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आप यहाँ स्पष्ट रूप से पर बनेंगे आपको जीरो फीस के साथ आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उसके बाद यदि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं किसी कारण बस गुम हो जाए खो जाए, उनके बाद आप दोबारा से अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके लीजिएगा, इसके लिए आपको फिर 500 रुपये का चार्ज लगेगा, आप यहाँ स्पष्ट रूप से देखो। देखिए बोल रहा है रिप्लेसमेंट, अर्थात आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाए खो जाए टूट जाए कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप जब क्रेडिट कार्ड लीजिएगा इसके लिए आपको फिर 500 रुपया लगेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है स्वधन रुपये प्लेटिनम, ये यदि आप ये वाला क्रेडिट कार्ड लीजिएगा तो इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, आपको ये भी क्रेडिट कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट में बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देंगे मिलेगा। और ये क्रेडिट कार्ड यदि किसी कारणवश कहीं गुम भी हो जाए तो आप जो दोबारा से अप्लाई करके लीजिएगा इसके लिए भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप यहाँ देख पाएंगे जीरो फी, अर्थात आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। बैंक ऑफ इंडिया ये क्रेडिट कार्ड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करेगा खोने के बाद भी, और जब आप फर्स्ट टाइम लीजिएगा फिर भी। उसके लिए कुछ क्रेडिट कार्ड के लिए फिर आपको
चार्ज पे करोगे। आप यहाँ पर देख पाएंगे गोल्ड के गोल्ड कार्ड इंटरनेशनल वीजा, इसके लिए आपको कितना चार्ज पे करना होगा। देखिए इसके लिए आपको फर्स्ट है 1500 रुपया, उसके बाद एनुअल फी अर्थात प्रत्येक साल आपके अकाउंट से फिर से 1500 रुपया कटेगा। यदि आप एड ऑन कीजिएगा तो इसके लिए फिर से 800 रुपया कटेगा। वहीं यदि आप का ATM कार्ड किसी कारणवश कहीं गुम हो जाए, खो जाए या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाए, दोबारा से अप्लाई करके लीजिएगा, इसके लिए फिर से आपको ये 500 रुपये का चलेगा। आप यहाँ स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, आपको कुछ सर्विस चार्ज यहाँ से पे करोगे यदि आप इसका क्रेडिट कार्ड लीजिएगा तो। आप यहाँ से एक बार डिटेल पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा इस PDF का, आप यहाँ आकर डिटेल पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आपको और भी इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। नीचे आने के बाद आपको और भी इसके बारे में सर्विस और चार्जेस के बारे में देखिए देखने के लिए मिलेगा, आपको क्या सर्विस और चार्ज लगेगा, तो आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप इस PDF को डाउनलोड करके आप अपना डिटेल चेक कर सकते हैं अच्छे तरह से। आपको सारा डिटेल इस PDF में देखने के मिलेगा इसके क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया के नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करना होगा, जहाँ से कि आप अपना क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके ले सकते हैं। आप ऑनलाइन ना तो इसके इंटरनेट बैंकिंग, ना तो मोबाइल बैंकिंग, ना तो बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इसका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके ले सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक ऑप्शन मिलेगा, आपको अपने नियरेस्ट ब्रांच में विजिट करना होगा, वहाँ से आप इसका क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके ले सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि किसी और बैंक के बारे में आप जानकारी चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।